छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी संजना और यश की है। शादी हो गई। यश शादी के पहले अकेला रहता था, घर की देखभाल बिल्कुल नहीं करता था। सारा सामान घर पे इधर उधर बिखरा हुआ, खाने का सामान भी साफ सफाई से नहीं रखता था। स्वाभाविक है, घर पे मक्खियों ने अड्डा बनाया, घर पे मच्छरों ने अड्डा बनाया। संजना बड़ी समझदार, उसने समझ लिया कि यश की आदतें ठीक नहीं है। घर को व्यवस्थित रखना और साफ रखना उसको आता ही नहीं है। लग गई काम को। रोज उसने थोड़ा 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 करके घर को व्यवस्थित और साफ करना शुरू किया। और कब करती थी? जब यश घर पे नहीं होता था, जब वो काम को जाता था। एक महीना लगा और एक महीने के बाद घर पूरा व्यवस्थित हो गया। मक्खियां नदारद, मच्छर नदारद। एक महीने के बाद एक दिन संजना ने यश से कहा, यश जब मैं शादी करके तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारे घर पे, इस घर पे मच्छर और मक्खियों का राज था। अब देखो मक्खियां और मच्छर दिखते ही नहीं। यश हो गया बड़ा गंभीर और गंभीरता से बोला, अरे मक्खियों और मच्छरों को समझ में आ गया है कि अब मेरा खून चूसने के लिए तुम आ गई हो, अब उनके लिए खून बचेगा ही नहीं, तो यहां पर रह करके करेंगे क्या? यश और संजना की और एक कहानी सुना देता हूं। एक बार यश महोदय आए और संजना से बोले, देखो मैं तुम्हें दो बातें बताऊंगा, पहली बात से तुम बहुत खुश हो जाओगी और शायद दूसरी बात से तो उतना खुश नहीं होगी, शायद दुखी भी हो जाओगी। संजना ने बोला, बोलो। यश ने कहा, पहली बात, तुम मेरी जिंदगी हो। अब संजना बहुत खुश हो गई और बोली, दूसरी बात। यश मुस्कुराते हुए बोला, और दूसरी बात यह है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। यश हमें सिखाते हैं बहुत बड़ी सीख, प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करें। अच्छे काम करने के बाद भी दूसरे लोग, प्रभावित लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे, ये जरूरी नहीं है। प्रशंसा के मामले में हम बहुत कंजूस हैं। दूसरी चीज, यदि आपको प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है तो अपने पर हंसना सीखिए। अपने पर हंसेंगे तो जिंदगी में कभी निराशा नहीं आएगी, आपको निराशा में भी हंसी आएगी, निराशा में भी आशा दिखाई पड़ेगी। शायद संजना को ये सीखने की जरूरत है। हम मानते हैं कि संजना इतनी समझदार होगी कि यश की बात को उसने गंभीरता से नहीं लिया होगा और खिलखिला करके हंसी होंगी। 365 कहानियों के इस दौर में अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।